Welcome to my channel Angel Gabriel Jarrett. In this video I have made for Sagittarius. धनु राशि के लिए आप लोग के लिए जुलाई मंथ में मैसेज है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, भौतिक वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट होना, इन्जॉय करना लाइफ को, और पैसे के मामले में मुझे दिख रहा है कि आप इन्जॉय करेंगे. थोड़े से हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए कि कैसे मनी को मैनेज किया जाए, लेकिन आपको लगेगा कि कोई जना होना चाहिए कि जो मेरी मदद कर सके मैनेज करने में. आपको प्रोफेशनली तो अच्छा दिख आपका जा रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं. कुछ दो तीन लोग हैं जो आपको दुख देके चले गए हैं और आप परेशान हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, और उतना प्यार आपको अपने अपने से नहीं मिल पा रहा. कुछ ही एकाध लोग हैं जो आपको जानते समझते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं समझ रहे हैं और अपनी बात आप कह नहीं पा रहे हैं. बहुत बांध लिया है आपने, अपने आप को ही जकड़ के रखा हुआ है प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में. तो अपने साथ ये जुल्म मत कीजिए, बहुत बांधिए नहीं अपने आप को. जो कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं प्रोफेशनली, नौकरी में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए. और जो आपका टैलेंट है उसको छुपाइए नहीं, उसको जो कुदरती तौर से जो दे रखा है ऊपर वाले ने, उसको सामने लाइए दुनिया के, ताकि आप भी खुश रहें और औरों के भी आप मदद करें अपने टैलेंट से. आपको लवर्स का कार्ड बहुत अच्छा आया है. जब आप मूव ऑन कर जाएंगे ऐसी सिचुएशन से, आफ्टर दैट आपका यहाँ अच्छा दिख रहा है. कोई जना है जो आपको हेल्प सपोर्ट पूरा देगा, और लव अफेक्शन अच्छा दिख रहा है लाइफ पार्टनर के साथ आपका. पैसे के मामले में थोड़ा सा कंजूस रहिएगा, सेविंग्स करिएगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा. इस वक्त कंजूस रहना ही ठीक रहेगा. एंजल्स का मैसेज आ रहा है. स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहेगी और बहुत सारे विचार आपके माइंड में आते रहेंगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जैसे कि मैंने बताया, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है. सेल्फ डिटर्मिंड रहेंगे, मतलब जो करना चाहेंगे वो करके ही रहेंगे. और एम्परर का कार्ड है, मतलब आप एक एम्परर की तरह हैं. जीत हासिल करना, अचीवमेंट्स होना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक अंदरूनी शक्ति मुझे दिख रही है जो कि फोर्स करेगी कि नहीं ये चीज़ पा लो किसी तरीके से, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए. एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ये आपको अच्छे से मालूम है. आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, अपनी अंदरूनी आवाज़ ज़रूर सुनिएगा कि मन क्या कहता है, दिमाग क्या कह रहा है आपका, बजाय और लोग के सुनने के बजाय और कंफ्यूज करने के बजाय. अपने आप को आप अपना पहले सोचिए कि आपको क्या ठीक लग रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए. ट्रुथवर्दी रहिए, न्यायप्रिय रहिए, सच्चाई के राह पे चलेंगे तो पूरी पूरी आपको यूनिवर्स मदद करेगी. एंजल्स मैसेज कर रहे हैं. और झूठ मत बोलिएगा किसी के साथ, जो है इस तक गलत चीज़ आप, वैसे भी आपका नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ट्रुथवर्दी रहिए. और आपको बहुत मन करता है कि कोई साथी होना चाहिए मेरा, तो हो सकता है कोई हो आसपास आपके और आपको मालूम ना चल रहा हो, तो ऐसा कोई जना अगर है तो उसका एक बार हेल्प ज़रूर लीजिए. उसको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो चाहता है वो जना कि आप हेल्प लेने के लिए आए. उसे अच्छा लगेगा बातचीत करना, हैविंग अ गॉसिपिंग, मतलब एक होता है ना बातचीत करना, गॉसिप करना, गपशप करना, इन्जॉय करना लाइफ को, ये उसको पसंद है, तो आपको ही पसंद है. और अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे करते वक्त. एंजल्स आपको हीलिंग करने के लिए कह रहे हैं. इस वक्त आपको ओम की चैंटिंग, ध्यान लगा के, जैसे होता है ना पलती मार के बैठ के मेडिटेशन करते हैं प्रॉपर, कहीं भी खाली जगह पे, शांत जगह पे बैठ जाइए और तब मेडिटेशन करिएगा. ओम की चैंटिंग करिए या ओम मंत्र की आवाज़ को सुनना, किसी टेम्पल में जाना, वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उसको अपने ऑरा में समाहित होने देना, ये करिए. मंदिर में जाइए, मंदिरों में, चर्चेस, जहाँ आपके रिलीजियस प्लेस है वहाँ जाइए, वहाँ कुछ डोनेट करके आइए. इससे आपका कर्मा भी साफ होगा और इससे जो है आपकी हीलिंग भी होगी. या तिब्बतन सिंगिंग बाउल जो है वो भी आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. तिब्बतन सिंगिंग बाउल होता है, उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हैं, और मैंने अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में कहीं डाल रखा है उसको, वो भी सुन सकते हैं. और यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत रहेगी आपके अंदर, बहुत आपका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है. फायर एलिमेंट यानी कि कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, कुछ ना कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ ना कुछ होता है ना कि
कभी आग बुझेगी ही नहीं काम करने की, ऐसा रहेगा। मतलब हर समय आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ विचार आता रहेगा दिमाग में कि कुछ ये कर लो, ये भी कर लो, ऐसे कर लो, करिए, उसमें से कुछ ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन करिएगा ज़रूर, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और क्रिस्टल हीलिंग के लिए कह रहे हैं एंजल्स, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए, और सबसे अच्छा क्रिस्टल्स का क्रिस्टल्स कहलाता है सेलेनाइट, और या क्लियर क्वार्ट्ज, अगर ये आप देखेंगे ये सेलेनाइट है, ठीक है, ये सेलेनाइट एंजल है, वॉन्ड्स आते हैं इस तरह के, तो ये अगर आप परचेज कर सकते हैं किसी हीलर से, मेरे पास से भी आप ले सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज का ये एंजल है, या इसके वॉन्ड्स या इसके छोटे टम्बल्स भी आते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये दो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि ये जनरल है, सातों चक्रों को हील करते हैं। एक बार आप 10-15 मिनट के लिए दिन भर में 3 बार ऐसा करिए, पकड़ के बैठ जाइए मुट्ठी में, तो इससे क्या होगा कि आपकी हीलिंग होती रहेगी। लेकिन किसी हीलर से ले लीजिए ताकि वो हील करके आपके नाम का वो दे, तो उससे क्या होगा कि आपकी और अच्छी हीलिंग होगी, क्योंकि क्रिस्टल्स जहाँ होते हैं, परचेज किए जाते हैं, वो आसपास का जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी ले लेते हैं, तो वही बस साफ करना होता है, यही हीलर का काम होता है। और 7 चक्रास की हीलिंग ये करते हैं, क्रिस्टल्स की मदद लीजिए। और अगर क्रिस्टल्स नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया है, एंजल्स का मैसेज है कि ओम मंत्र की चैंटिंग करिए, तिब्बतन सिंगिंग बाउल को सुनिए, उससे आपकी अच्छी हीलिंग होगी। नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। यहाँ पे ये मैसेज बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी, जैसे कि अगर आप जस्टिफाई, मतलब आप न्यायप्रिय हैं, सच्चाई के राह पे चल रहे हैं, तो एंजल गैब्रियल का ही यह मैसेज आया हुआ है कि कहीं ना कहीं वो आपको जस्टिफाई करें, आपको देखा जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि आप कितने सच्चे हैं। आपके लिए यह मैसेज है कि अपनों से आपको बहुत इस जुलाई मंथ में प्यार मिलेगा, सपोर्ट बहुत मिलेगा। और लास्ट में जो मैसेज इसमें जिन कार्ड से यही आ रहा है, थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे लाइफ में, और लेकिन आप पार कर जाएंगे इन चैलेंजेस को, आप बहुत आसानी से पार कर जाएंगे, थोड़ी मुसीबतें आएंगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आपका जो चाइल्डिश नेचर है, आपके अंदर एक यंग एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि वो आप सही दिशा में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पैसे के मामले में आपका अच्छा दिख रहा है, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा, जो इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ मुझे अपने मेहनत का फल मिल गया, चाहे वो पैसे से हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे भी कुछ भी हो, जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आगे जाकर आपका आपका करियर ही बनाने वाला है, और ऐसा करियर बनाएगा जो कि नौकरी के लिए आपको प्रेरित करेगा कि हाँ ये फील्ड अच्छा है मेरे लिए, तो ये चीज़ रहेगी। लग्जीरियस, अगर आप ऑलरेडी नौकरी पेशा हैं तो आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, या नौकरी आपको हो सकता है कि आपको लगेगा कि कहीं और अप्लाई करें तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन ओवरऑल आपको गुड रिजल्ट्स दिख रहा है, गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। लग्जीरियस चीज़ें, बहुत एक चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी, इंजॉय करने का यहाँ पर दिख रहा है आपका। और लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से बचिएगा, शो ऑफ नहीं करिए, दिखाइए नहीं किसी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाएंगे तो ब्लैक एनर्जीज जो होती हैं फिर वो आपके ऑरा में ऑब्जर्व हो जाएंगे, लोग आपकी एनर्जी को सक करना चाहेंगे, तो वो यहाँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कोई जना देख देख के जलेगा और कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं, इसके पास तो कितना ज़्यादा है, ये चीज़ रहेगा, तो इसको अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करिए, बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए अपनी अपनी जो जो भी गुड न्यूज़ है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है अच्छा, बल्कि शेयर करिए किसी नीडी पर्सन के साथ, जो भी आपको पैसे के फॉर्म में मिला या प्रॉस्पेरिटी आपके कुछ आपके पास कुछ आया, उसको शेयर करिए किसी के साथ, किसी ज़रूरतमंद गरीब इंसान के कुछ तो कुछ दे आइए, कुछ दान कराइए मंदिर में, कुछ भी, उससे क्या होगा आपका कर्मा भी ठीक रहेगा, और एक ये मैसेज जाएगा यूनिवर्स को कि आपने शेयर किया, जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया आपने उसको शेयर किया, शेयरिंग नीडेड है। और चलाक लोगों से बच के रहिए, इसके लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, जादू टोना करने वाले या ब्लैक मैजिक के वशीकरण करने वाले लोगों से बच के रहिए, इनके पास आप बिल्कुल भी, अगर आपको भनक लग रही है बिल्कुल दूर हो जाइए, बल्कि आप चलाक बन जाइए और वहां से निकल जाइए, चलाकी खेलिए लेकिन ठीक से, सही दिशा में, गलत तरीके से नहीं। आपको
कोई जना हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में तो उसकी हेल्प लीजिए। आपका यहाँ दिख रहा है कि कोई जना अगेन हेल्प आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेल्फ डिटर्मिंड है, आपका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। अगेन यहाँ दिखा रहे हैं एंजल्स कि कुछ क्रिएटिव करना चाहेंगे, अपना दिमाग बहुत लगाएंगे आपकी, ऐसे काम कर लो तो करिए, बिल्कुल करिए। आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्टि मिलेगी कि यस आपने अपने बलबूते पे दिमाग लगा के अच्छे से काम किया। कौन जना क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सफल हो जाएंगे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एंजल्स के मैसेज मिल गए होंगे और कीप प्रेइंग टू द गॉड कि आपका एक अच्छा एक समय बीते जुलाई में। सो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।